9 इंच की ये दीवार है, 9 इंच की दीवार में कॉलम टोकना मतलब सबसे आसान काम है। सेंटरिंग काम में 9 इंच की दीवार को जो कॉलम चिपकाना काम है, सबसे आसान काम यही होता है। हमारे यहाँ पर मजदूर भी करते हैं, हेल्पर लोग भी ये कॉलम ठोक लेते हैं। इसमें कोई वो लंबा नहीं, साउल नहीं, कुछ नहीं रहता है, दोनों साइड से प्लाई चिपकाना रहता है खाली बात। ऐसे कॉलम ठोकने का क्या फार्मूला है मैं आपको बता रहा हूँ। दीवार की जितनी भी हाइट है उसे 3 हिस्सा में बांट देना है, उसके बाद में प्लाई को एक समान अंतर में होल गिरा देना है। ठीक उसी तरह से अभी हम पहले होल गिराते हैं, उसके बाद में उसमें सेंटिंग वायर लपेट के मारेंगे। हमने पहले इस दीवार की हाइट नापा है दोस्तों 7 फीट। 7 फीट में 4 जगह पर सेंटिंग वायर हमें मारना है, तो बीच में सिर्फ 2 ही जगह पर होल गिराना है। ये साइड में 2 जगह पर और दूसरी साइड में 2 जगह पर 28 इंच पे होल हम गिरा रहे हैं। ये देखिए आपके सामने है, और दूसरी बाजू वाली ये प्लाई है उसमें पहले वायर मार देंगे इधर से। एक कॉलम में 2 ही प्लाई लगता है, एक प्लाई को वायर मार के छोड़ देना है और दूसरी प्लाई को होल पाड़ के छोड़ देना है। ठीक इसी तरह से सबसे पहले जितने भी प्लाई हमको लग रहे हैं उतनी प्लाई हम तैयार कर लेते हैं, उसके बाद में फिर कॉलम टोकना चालू करेंगे। इसमें 2 आदमी की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। दीवार की पहली बाजू में 1 जन रहता है और दीवार की दूसरी बाजू में 1 जन। ऐसे कॉलम ठोकते समय ध्यान देना है दोस्तों, हम जिस कॉलम को 2 प्लाई लगाने वाले हैं उसके दोनों साइड के होल एकदम सेम होना चाहिए। प्लाई के होल अगर ऊपर नीचे या टेढ़े हो गए तो कॉलम फूल सकता है, और हम जिस प्लाई में होल मारने वाले हैं, कॉलम में चिपकाने वाले हैं, उसमें जरा भी सीमेंट का मसाला नहीं लगा हो। कट हुई जाओ, कट हुई जाओ।